Hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा MIUI 1 में जब Android 9 पर हमने VPN ट्रिक से अपडेट किया, उसके बाद बहुत सारे फीचर्स हमें नए नए देखने को मिला जो कि MIUI 1 में। तो उसके अंदर कुछ सीक्रेट टिप्स है जो कि मैंने पिछली बार भी ट्राई किया था, बट वो मेरे को ऑप्शन नहीं दिखा था। अब मुझे वो ऑप्शन मिल गया है, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको ये डिटेल्स बता दिया जाए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला एक आता है ऑप्शन जो हम पहले पिछले भी एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में हम देखते थे, सिस्टम यूआई। बस वहां पे क्या है, सारे डिटेल्स ए टू जेड शो होता था, जिसे हम नोटिफिकेशन बार में देख सकते थे, उसका कोई सेटिंग करते थे। बट अब इसके अंदर एक एप्लीकेशन है जो सिस्टम यूआई एप्लीकेशन को जब आप यूज करोगे उसके अंदर ये एक इंटरनली फीचर में रहता है ये। तो आप ही उसको आप सर्च करके फिर उसी के अंदर जो भी कुछ वार्क करना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर तो वो कैसे वार्क करता है। सबसे पहले आपने MIUI 1 फोन के अंदर आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको सिस्टम, फिर एडवांस डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सर्च करेंगे सिस्टम UI। यहाँ पर जब सर्च करेंगे यहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा सिस्टम UI। तो इसको ओपन करते ही ये इस टाइप का एप्लीकेशन शो करेगा जो कि इंटरनली रहता है, आपको डिस्प्ले नहीं करता है कहीं भी सीन पे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे अलर्ट, बैटरी, स्टोरेज, जनरल मैसेज, हिंट्स एंड स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर ऑप्शन रहता है बिहेवियर, स्क्रीनशॉट लेते टाइम क्या करना पड़ेगा। तो इस टाइप का कुछ ऑप्शन रहता है, जैसे साउंड होता है या डायरेक्ट ऑप्शन आके यहाँ पे शो करता है आप जब स्क्रीनशॉट लेते हो। आपको ये छोटे छोटे सेटिंग्स जो है इसके अंदर मिल जाते हैं। कुछ अलर्ट्स के अंदर आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। जब आप सिस्टम UI के अंदर जाते हो तो आपको ये सब ऑप्शन शो हो जाता है देखने को। बैटरी का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट जाते हो किसी के ऊपर क्लिक करते हो डायरेक्ट उस पेज पे उठा लेता है। तो स्टे आओके इसी टाइप का ये ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ पे वॉच के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक मेरे को क्लॉक मिल जाए। तो दोस्तों, ये सिस्टम UI का जो सेटिंग है तो इसी तरह आपके फ़ोन में यूज होता है, तो आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हो इसी मेथड पे। तो दोस्तों, सेकंड एक फीचर है इसके अंदर, बहुत बढ़िया फीचर है, वो है स्टैंड बाई ऐप। स्टैंड बाई एप्लीकेशन क्या होता है और वो कैसे यूज होता है आपके फोन के अंदर, आपके फोन को स्पीड और CPU के स्पीड को कम्बिनेशन करता है। आपके कोई गेमिंग वगैरह करते हो, कोई अच्छे हैवी एप्लीकेशन यूज करते हो, या जो रिसेंटली कोई एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हो उसके लिए ये एप्लीकेशन है स्टैंड बाई ऐप। फिर सेटिंग में जाने के बाद सेम डेवलपर ऑप्शन, तो यहाँ पर सर्च करिए स्टैंड बाई ऐप। स्टैंड बाई ऐप पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले जाएगा आपको स्टैंड बाई ऐप पे। तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये जो एप्लीकेशन सब इसके अंदर इंस्टॉल है सारे शो कर जाएगा। अब आप यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन आप किस टाइम कितना यूज करते हो, तो उसी हिसाब से, जैसे ये फोर फोन एप्लीकेशन मैं कभी कभार रेयर ऐप यूज करता हूँ तो ऑटोमेटिक रेयर में, अगर मैं एक्टिव करूँ तो मैं इसको कंटिन्यू यूज करता हूँ। जो जो एप्लीकेशन फिलहाल यूज होता रहता है, जैसे ये कैलेंडर हो गया, ये एक्टिव में हो, और गूगल क्रोम ये एक्टिव है, जब भी ओपन करो धड़ से ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो CPU का स्पीड है और काफ़ी इन्हांस रहेगा। कोई गेम वगैरह ओपन करते हो उस पर बग नहीं आएगा, जैसे आप पबजी वगैरह खेलते रहते हो, अगर आप उसको एक्टिव कर दोगे जब भी ओपन करो धड़ से ओपन हो जाएगा। आपको कोई उसमें अलग से CPU का प्रेशर नहीं आएगा, ना स्लो ना लैग करेगा फ़ोन। तो इसी तरह आप अपने जो जितने सारे मेन मेन एप्लीकेशन है आप उसको मैनेज कर पाओगे स्टैंड बाई एप्लीकेशन थ्रू, कि कभी ऑफ नहीं होंगे, आपके बैकग्राउंड में रहेंगे, जब भी आप क्लिक करो थोड़ा से ओपन हो जाएंगे। आप ये सोचोगे यार ये एप्लीकेशन बड़ा सा एप्लीकेशन है, एक बार ऑफ हो गया है, देखो ये माई जियो ऐप मैं कभी कभार यूज करता हूँ तो यहाँ पे रेयर लिखा हुआ है, अगर मैं एक्टिव कर दो जब भी क्लिक करो धड़ से ओपन होगा क्योंकि वो स्टैंड बाई मोड में रहेगा। तो इसी तरह आप अपने फोन के अंदर जो एप्लीकेशन है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जब भी कोई गेम वगैरह खेलना हो, कोई मेजर एप्लीकेशन हो, उसको आप एक्टिव करिए, बाकी आइटम जैसे व्हाट्सएप ये एक्टिव है, कभी क्लिक करते हैं तो धड़ से ओपन होता है। तो नॉर्मली यही बात कहना चाहता हूँ मैं कि आप अगर एप्लीकेशन के अंदर ये स्टैंड बाई ऐप को यूज करेंगे कि जो एप्लीकेशन आपका यूज होता है ज़्यादा उसको आप एक्टिव कर देंगे, जब भी क्लिक करो धड़ से ओपन हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करके। अगर आपने चैनल पर नए विजिट किए तो ये सब वर्क करिए, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो आप तो कर ही लोगे लाइक। और मैं मिलूंगा एक नए वीडियो सर, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बंदे मातरम।